चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर आल्सो 8 लाइन एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन पी एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल लाइंस सच दैट इक्वल इंटरसेप्ट ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी अंदर की साइड बने हैं, इनको हम कहते हैं इंटरसेप्ट्स। तो इंटरसेप्ट यानी कि जो अंदर बने हैं ए बी और बी सी वो इक्वल। प्रूव करना है कि ये जो दूसरे इंटरसेप्ट्स हैं डी और ये भी आपस में इक्वल होंगे। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ए एफ विच इंटरसेक्ट बी ई एट जी। प्रूफ इन ट्राइंगल ए सी एफ इट इज़ गिवन दैट ए बी इक्वल टू बी सी। इट मीन्स बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी इट इज़ गिवन एंड बी जी पैरल टू सी एफ कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एम और एन भी आपस में पैरल हैं, तो बी जी और सी एफ भी आपस में पैरल होंगे। अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियोरम जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। क्योंकि ट्राइंगल ए सी एफ में बी मिड पॉइंट था और बी जी पैरल था सी एफ के, तो जी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए एफ अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थियोरम। देयर फॉर ए जी इक्वल टू जी एफ इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी टेन डी की कर दूंगा। एक मिनट, उसके बाद इन ट्राइंगल एफ ए बी इन ट्राइंगल एफ ए डी एफ ए डी में अभी अभी हमने प्रूव किया है जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ एंड जी पैरेलल टू ए डी। क्योंकि एल एम एन तीनों लाइन पैरेलल हैं, तो जी पैरेलल ए डी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ एफ डी। देयर फॉर डी इक्वल टू ई एफ सी पी सी टी। एग्जाम्पल 1 ऑन पेज 141 चैप्टर नंबर 8। इट इज़ गिवन दैट ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। प्रूव दैट इट्स ऑल ऑफ एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड वी नो दैट रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। सो लेट एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव, अब हमको प्रूव करना है कि एंगल बी सी डी ये तीनों 90 के होंगे। प्रूफ, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, तो ए डी बी सी के पैरेलल हुआ, तो देयर फॉर एंगल ए इक्वल टू बी दोनों का सम 180 डिग्री रीजन को इंटीरियर एंगल्स। एंगल ए 90 का है तो 90 प्लस बी इक्वल टू 180, तो एंगल बी हो जाएगा 90 डिग्री का। अब अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एंगल ए 90 का है तो एंगल सी भी 90 का होगा। सिमिलरली एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होंगे रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो बी 90 का है तो देयरफॉर डी भी 90 का होगा। हेंस प्रूफ। एग्जांपल 2 ऑन पेज 142 चैप्टर नंबर 8। इट इज गिवन दैट ए बी सी डी इज ए rhombus and we have to prove that diagonals of rhombus are perpendicular on each other. ABCD is a rhombus, diagonals AC and BD intersect at O. Diagonal AC और BD prove करना है कि 90 degree पर bisect करते हैं, यानी कि हमको prove करना होगा angle 190 का। Angle 190 का होगा तभी AC BD पर perpendicular होगा। तो angle 1 को 90 का prove करना है तो angle 1 और 2 भी equal होने चाहिए, क्योंकि 1 और 2 लीनियर पेयर हैं, दोनों इक्वल होंगे तभी दोनों 90-90 के होंगे। तो 1 इक्वल टू एंगल 1 को 2 के इक्वल प्रूव करने के लिए हमको ट्राइंगल डी ओ ए और डी ओ सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। डी ओ इक्वल टू डी ओ कॉमन साइड, ए ओ इक्वल टू ओ सी रीजन डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन रोम्बस, और डी ए इक्वल टू डी सी रोम्बस में ईच साइड इक्वल होती है। Therefore, triangle DOA congruent triangle DOC region SSS congruent। इस प्रकार से एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी, बट 1 और 2 का समय 180 डिग्री लीनियर पेयर,
एंगल तो वन भी 90 का हो गया, टू भी 90 का हो गया। तो वन 90 का है, इट मीन्स AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। थैंक यू।